नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को एक बार फिर श्रीनगर में उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को शनिवार को पुलवामा जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। जानकारी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला के घर के सामने एक मोबाइल सिक्योरिटी वाहन भी खड़ा कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला आज गुलमर्ग जाने वाले थे, जबकि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर घाटी के गांदरबल क्षेत्र का दौरा करना था। वहीं पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि पुलवामा हमले की बरसी के चलते ये कदम उठाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ये अगस्त 2019 के बाद का नया जम्मू कश्मीर है। बिना कुछ बताए हमें अपने घरों में बंद कर दिया गया। ये बहुत बुरी बात है कि उन्होंने मेरे सांसद पिता और मुझे अपने ही घर में कैद कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसी तरह मेरी बहन और उनके बच्चों को भी उन्हीं के घर में बंद कर रखा गया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने अगले ट्वीट में कहा, चलो आपके लोकतंत्र के नए मॉडल का मतलब है कि बिना किसी स्पष्टीकरण के हमें अपने घरों में बंद रखा जाता है, लेकिन घर में काम करने वाले स्टाफ को भी काम करने के लिए घर में आने की इजाजत नहीं दी जा रही। और फिर आप ताज्जुब करेंगे कि मैं अब भी नाराज हूँ। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पिछले साल 24 मार्च को नजरबंदी से रिहा होने के बाद अपने घर पहुंचे थे। उमर को 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के साथ हिरासत में लिया गया था। नजरबंद रहने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उन्होंने 232 दिनों की नजरबंदी के बाद हरी निवास छोड़ दिया है। उनका कहना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक बहुत ही अलग दुनिया है। वहीं उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट कर कहा, आज लेथपोरा आतंकवादी घटना की दूसरी वर्षगांठ है। प्रतिकूल सूचनाओं के कारण सभी वीआईपी और अन्य को अग्रिम सूचना दी गई थी कि वो आज के दौरे की योजना ना बनाए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी कथित मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों में से एक अतर मुश्ताक के परिजनों से मिलने के लिए पुलवामा जाने से रोक दिया गया था। महबूबा मुफ्ती ने वीडियो पोस्ट कर कहा था कि हमेशा की तरह उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।